हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, DDLJ के रिमेक पर क्या बोली काजोल। फिल्म अभिनेत्री काजोल ने मुंबई में Jagran.com से हुई विशेष बातचीत में कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि फिल्म DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिमेक बने। अपनी फिल्म हेलीकॉप्टर इला के प्रमोशन के सिलसिले में बात करते हुए काजोल ने इसके पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनके शाहरुख खान या आदित्य चोपड़ा के कारण ये फिल्म इस स्तर तक नहीं गई, बल्कि ये फिल्म दर्शकों के कारण इस स्तर पर बनकर पहुंची है। उन्होंने इस फिल्म से जुड़े कई किस्से लोगों से भी सुने हुए हैं। ऐसे ही एक किस्से के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रेमी जोड़े ने कहा था कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया था और उन्होंने ये फिल्म अपने बच्चों को भी दिखाई। ऐसा इस फिल्म का प्रभाव है। काजोल ने कहा कि ऐसे में इस फिल्म को लेकर दोबारा बनाना असंभव होगा। काजोल ने इस मौके पर इस फिल्म से बेहद लगाव रखने के लिए दर्शकों को धन्यवाद भी दिया। गौरतलब है आज भी इस फिल्म की एक स्क्रीनिंग मुंबई के एक मराठा मंदिर थिएटर में रखी जाती है। पिछले दिनों एक बातचीत के दौरान काजोल ने बताया था कि इस फिल्म में ट्रेन के सीक्वेंस की शूटिंग बड़ी ही मुश्किल थी। ट्रेन निर्धारित जगह पर हर बार 20 मिनट के बाद आ पाती थी, उसके बाद टेक देने होते थे और फिर रीटेक भी होते थे। हम लोग उस शूटिंग के दौरान गर्मी से बहुत चिंतित थे, एकदम चिड़चिड़े हो गए थे। मेरे बालों की हालत तो बहुत बुरी ही थी। काजोल बताती है कि ट्रेन हर बार आगे निकल जाती थी और फिर उसे निश्चित जगह पर आकर फिर से आगे बढ़ने में 20 मिनट का समय लग जाता था। टेक पर टेक हुए जा रहे थे, हालत खराब थी। काजोल कहती है कि मैं पागलों की तरफ भाग रही थी। इतना सब रायता फैलाने से अच्छा था राज को सिर्फ ट्रेन खींच देनी चाहिए थी, काजोल ने कहा। फिर वो एक ऐतिहासिक सीन बन गया, लेकिन मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं ले सकती। ये सारा कुछ आदित्य चोपड़ा की करामात रही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।